सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पूरे देश में एक ही लहर है और सचमुच मैं पिछले दिनों पुरुलिया भी गया था। मैंने पहली सरकार देखी इतनी तानाशाही पूर्ण सरकार जिसने मेरा हेलीकॉप्टर ही लैंड नहीं करने दिया था। आज भी परमिशन नहीं दे रही थी, कल रात्रि को परमिशन मिली है। जब हमारे भाजपा के पदाधिकारी आंदोलन किए तब रात्रि को परमिशन मिल पाई, नहीं तो परमिशन भी नहीं दे रही थी सरकार। मैंने कहा जाऊंगा जरूर, पुरुलिया भी गया था और मैंने कहा 12-7 में अगर सभा है तो जाऊंगा जरूर, चाहे कैसी भी स्थिति हो। इस अराजकता के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और मैं तो अभिनंदन करूंगा सचमुच। कल रोड शो का जो कार्यक्रम हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का जो रोड शो का कार्यक्रम हुआ था, मैं अभिनंदन करूंगा। इतनी गुंडागर्दी, इतनी अराजकता के बावजूद टीएमसी के गुंडे जगह जगह तोड़फोड़ अराजनी कर रहे थे, प्रशासन मौन बना हुआ था, उस सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और बंगाल की जनता ने टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी को धत्तमत्ता बताते हुए अपना रोड शो के कार्यक्रम को अनवरत जारी रखा। और मैं अभिनंदन करूंगा उन कार्यकर्ताओं का जो विपरीत परिस्थितियों में इस तानाशाही के खिलाफ, इस अराजकता के खिलाफ यहां पे लड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी का एक झंडा घर घर में लगाने की तैयारी के लिए यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, हमारे लिए सब कुछ बहुत बड़ी बात है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी आपके द्वारा कार्य किया जाना यह बात को साबित करता है कि ममता दीदी पूरी तरह निराश और हताश हो चुकी है। और मैं तो इस बात को कहने के लिए आया हूं, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के रोड शो के कार्यक्रम पर टीएमसी के गुंडों का हमला इस बात को साबित करता है कि कल के हमले ने टीएमसी की सरकार की एक्सपायरी डेट भी लिख दी है कि 23 मई के बाद बंगाल के अंदर भी राष्ट्रवादी सरकार का ही पुनर्गमन होना है। और उस दृश्य आज मैं आपके पास आया हूं, पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है, पूरे देश के अंदर पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है, पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है। मेरे साथ एक बार दोहराइए इसको और दीदी के कानों तक आवाज पहुंचे, पूरा भारत डोल रहा है, मोदी मोदी बोल रहा है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है, एक ही आवाज है। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी जी ने कार्य किया है और हर एक क्षेत्र में कार्य किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर मोदी जी की सरकार ने जितना मजबूत कार्य किया है, आपने देखा होगा मोदी जी कोलकाता में दमदम में भाषण दे रहे होते हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस्लामाबाद में पसीना छोड़ता है। यह है भारत, यह है भारत की नई ताकत। जो आतंकवादी जगह जगह विस्फोट करते थे, आज उनका तो साहस नहीं कहीं विस्फोट कर सके, क्योंकि उन्हें और उनके आकाओं को मालूम है ये नया भारत है, मोदी का भारत है। और मोदी के युग में अगर भारत की जनता को छेड़ोगे तो मोदी छोड़ेंगे नहीं, पाताल में भी छुपे होंगे उखाड़ लेके आ जाएंगे और फिर घुस घुस करके मारेंगे। भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बड़ा कार्य देश के अंदर हुआ है, 100,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश पूरे देश के अंदर हाईवे में, वाटरवे में, रेलवे में, मेट्रो में, एम्स के लिए, आईआईटी के लिए, IIIT के लिए, अन्य तमाम संस्थाओं की स्थापना के लिए,
अगर किसी ने कराया है 5 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में कराया है। और अगर गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात मैं कर सकता हूं, भाइयों बहनों, 5 वर्ष में 1.5 करोड़ गरीबों को मकान दिलाया प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के कनेक्शन दिलाए, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन उपलब्ध कराए, 7 करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस के एलपीजी के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, 10 करोड़ गरीब परिवारों को एक एक टॉयलेट उपलब्ध कराया गया, 12.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था की गई, 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग खोला गया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना में 37 करोड़ गरीबों के लिए बैंक में खाते खोल करके, जनधन योजना में उनका अकाउंट खोल करके उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने की व्यवस्था की। भाइयों बहनों, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष निशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1.6 करोड़ किसानों को 4,000 की 2 किस्त पहुंच चुकी है। बंगाल की सरकार सूची ही नहीं भेजती, दीदी को फुर्सत ही नहीं, झगड़ा फसाद करने से फुर्सत हो तो यहां के किसानों की सूची भेजे, उनको कोई मतलब ही नहीं। यहां का किसान नहीं पाया इसलिए क्योंकि यहां की सरकार ने अब तक सूची नहीं पहुंचाई है। और यही नहीं, आयुष्मान भारत में हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक की निशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा प्रतिवर्ष देने की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। लेकिन ममता दीदी को भी उन गरीबों की चिंता नहीं कि उन्हें भी 5 लाख की सुविधा बंगाल में भी मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में, मेरे उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को यह सुविधा प्राप्त हो रही है, आखिर बंगाल में क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि दीदी को इन सब चीजों से फुर्सत ही नहीं, गुंडों को पालने से फुर्सत हो तो वो इधर ध्यान दे, यहां पर दंगाइयों को पालने से फुर्सत हो तो इधर ध्यान दे, अराजकता फैलाने से फुर्सत हो तो इधर ध्यान दे, उनको तो इससे कोई मतलब ही नहीं। और इसलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि भाइयों बहनों, ये चुनाव एक सामान्य चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है, भारत का चुनाव है, भारत को नया भारत बनाने का चुनाव है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों को साकार करने वाला भारत, स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करने वाला भारत, स्वामी प्रणवानंद जी के सपनों को साकार करने वाला भारत, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सपनों को साकार करने वाला भारत, बंकिम चंद्र चटर्जी के सपनों को साकार करने वाला भारत, एक ऐसा भारत जो एक भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो, और एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए आज चुनाव हम लोग यहां पर आपके बीच में आए हैं। सचमुच चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता हुआ देख करके बंगाल के अंदर दीदी की सरकार और स्वयं दीदी की सरकार और उसके सारे गुंडे बौखला गए, परेशान हो गए, निराश और हताश है। भाइयों बहनों, एक दिन आप भी देखेंगे, आने दीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, ये टीएमसी के गुंडे अपनी गली अपने गले में एक तख्ती लटका करके चलेंगे कि अब हम लोग भी सड़कों पर ठेला लगाएंगे, किसी गरीब को छेड़ेंगे नहीं, और ये स्थिति आने वाली है। क्योंकि टीएमसी के जो गुंडे आज उत्पात मचा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कभी इसी के सहयोगी गुंडे उत्तर प्रदेश में भी उत्पात मचाया करते थे, और आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, और कानून के राज की प्राप्ति करने के बाद जितने भी उपद्रवी तत्व थे, जितने भी अराजक तत्व थे, जितने भी गुंडा और माफिया प्रवृत्ति के तत्व थे, इन सभी तत्वों के खिलाफ जब कार्रवाई प्राप्त
प्रारंभ हुई, कुछ लोग जेल गए, कुछ लोग दूसरे लोक की यात्रा में चले गए, और जो बचे थे गले में तख्ती टांग करके आज घूमते हैं कि हमें बकस दो, हम ठेला लगा करके अपना पेट भर देंगे, लेकिन किसी गरीब पर और किसी नागरिक पर गोली चलाने का दुस्साहस नहीं करेंगे, किसी के घर पर और किसी की संपत्ति पर कब्जा करने का साहस नहीं करेंगे। यह स्थिति बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी लाएगी और उसकी शुरुआत आपने कर दी है चुनाव के माध्यम से। भाइयों बहनों, ये चुनाव भारत निर्माण के लिए है और मोदी जी ने 5 वर्ष में जो परिश्रम किया है, मोदी जी ने देश को जो सम्मान दिलाया है, विकास की जिस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है, गरीबों तक योजनाओं का लाभ देने का कार्य किया है, डिजिटल इंडिया के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने की दिशा में जो कदम उठाए हैं, आज उससे परेशान है सब लोग। परेशानी इसी बात को लेकर के है कि अगर मोदी जी का डिजिटल इंडिया सफल हो गया तो फिर टीएमसी के गुंडों की कमीशनखोरी, लूट खसोट ये सब बंद हो जाएगी और उसको कैसे किसी भी प्रकार से हो, कांग्रेस हो या विपक्ष के जितने भी दल हैं, इनके द्वारा एक ही प्रयास किया जा रहा है, किसी भी प्रकार से मोदी जी को रोको। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज एक बार फिर आपसे कह सकता हूं, वास्तव में बंगाल के अंदर टीएमसी को एक भी क्षण शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं रहा। इन्होंने अराजकता की जिस प्रकाष्ठा को पूरा कर दिया है, कभी दुर्गा पूजा पे रोक लगाते हैं, कभी जय श्री राम के नारे पे रोक लगाने की कुत्सित चेष्टा करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के आगमन को रोकने का कुत्सित प्रयास करते हैं, क्योंकि इन्हें भय है अगर अमित शाह जी आएंगे तो टीएमसी के सारे कारनामों का भंडा फोड़ कर देंगे, जनता जागरूक हो जाएगी, इनकी गुंडागर्दी बंद हो जाएगी, इसलिए वे अमित शाह जी का कार्यक्रम नहीं होने देते, हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं देते, कार्यक्रम नहीं होने देते हैं। लेकिन उस सबके बावजूद सारी पाबंदी, सारी तानाशाही का मुकाबला करते हुए आप इतनी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, सचमुच आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं कि आपने एक तानाशाही पूर्ण सरकार के खिलाफ, उसकी अराजकता पूर्ण और उसकी बर्बर कार्रवाई के खिलाफ, उसकी अलोकतांत्रिक कार्रवाई का विरोध करते हुए आज आप सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में यहां पर उपस्थित हुए हैं। और भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, जब पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरा देश, पूरा भारत डोल रहा है और मोदी मोदी बोल रहा है, जब पूरा देश मोदी मोदी बोल रहा है तो बंगाल से भी तो यही आवाज निकल रही है। कौन सी आवाज है? सभी लोग एक स्वर में बोलो, मोदी मोदी का स्वर। पूरे बंगाल से भी स्वर आना चाहिए और 6 चरणों के चुनाव ने साबित किया है कि बंगाल ने शुरुआत की है और बंगाल ने कहा है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के लिए बंगाल ने जो अंगड़ाई ली है, भाइयों बहनों, मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं कि पूरा देश तैयार है। अब ये अंतिम चरण का चुनाव चल रहा है, निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका है। जो लोग लोकतांत्रिक पद्धति को रौंदना चाहते हैं उनके सपने धराशायी हो जाएंगे। हम लोग हर प्रकार की गुंडागर्दी और अराजकता की छाती पर चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे और बंगाल की जनता को इस तानाशाही व्यवस्था से मुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। इस बात को लेकर के आज हम सब आपके बीच आए हैं। और भाइयों बहनों, आप निश्चिंत रहिए, आखिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक मेजोरिटी के साथ आई ना, आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है ना, मोदी जी ने आह्वान किया और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश की पूरी जनता
मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर दी। आज उसका परिणाम क्या है? दो वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं होता, कोई गुंडागिरी नहीं, कोई गुंडा टैक्स नहीं। ये जो टीएमसी के गुंडे गुंडा टैक्स वसूली करते हैं, ये सब उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर सकता। कोई गुंडा टैक्स वसूलेगा तो बदले में टैक्स तो नहीं मिलेगा, गोली जरूर मिल जाती है। और भाइयों बहनों, ये स्थिति आप देखना, बंगाल की जनता को भी इस गुंडागिरी से मुक्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है। और बंगाल तुम्हारे राष्ट्रवाद की धरती है। मैं इस राष्ट्रवाद की धरती में, जहां पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस बंगाल के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, बंगाल में अकाल में उनकी लड़ाई रही हो या फिर बंगाल के उत्थान में पुनरुत्थान में उनका योगदान रहा हो, उन सभी महापुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर के जिस तेजस्विता के साथ ये नेतृत्व पूरे देश के अंदर जा रहा था, उस समय जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था, वही लोग आज उन्हीं की वर्तमान पीढ़ी फिर से षड्यंत्र कर रही है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का यह वेग कोई रोक नहीं पा सकता। छह चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं, पूरा देश मोदी मोदी बोल रहा है और मोदी जी के इस अभियान के साथ बंगाल भी खड़ा है। बंगाल में अंतिम चरण में 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, क्या ये 12-7 लोकसभा सीट कमल चुनाव चिन्ह पर मोदी जी के लिए आप सब समर्थन और सहयोग देने के लिए तैयार हैं? पूरी जनता बोलिए, एक साथ दोनों हाथ लगाकर के बोलेंगे, आप सब लोग तैयार हैं? याद रखना, कमल चुनाव चिन्ह पर जो बटन आप दबाएंगे, वह मोदी जी को वोट जाएगा, सारा वोट मोदी जी को जाएगा। और इतनी भारी संख्या में आप आए हैं, अगर मेरा मानना है कि आप लोगों ने इसी मृणाल कांति देवनाथ जी को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, ऐसे ही डॉक्टर जब हमारे यहां से चुनाव जीत करके जाएंगे, ये डॉक्टर टीएमसी का उपचार कायदे से सर्जरी करके करेंगे, पूरा भारत आपके साथ खड़ा है, बंगाल के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे देश के अंदर अपने 14 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ये सारे के सारे कार्यकर्ता बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे, एक एक बूथ की जिम्मेदारी संभाल देंगे और मजबूती के साथ खड़ा कर देंगे, तो बोल देंगे उनको कि 23 मई की तिथि टीएमसी की उल्टी गिनती प्रारंभ होने की तिथि है, एक खाली पेज लिखने की तिथि है, अभी भी नहीं सुधरे तो फिर उसके बाद कले में तख्ती लटका करके जाना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, मैं इसलिए आह्वान करूंगा आप सबका, भारतीय जनता पार्टी ने एक सुयोग्य प्रत्याशी आपके बीच में दिया है और आपकी सेवा करेंगे, आपके हितों के लिए कार्य करेंगे। यहां 12-7 को टीएमसी के गुंडों से मुक्त कराने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे। मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने, उनके विकास के अभियान को पूरे 12-7 में पहुंचाने, बंगाल में पहुंचाने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहाँ के गरीबों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को पहुंचाने में हमारे भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मृणाल कांति देवनाथ के द्वारा आप सबके लिए किया जाएगा। और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। ये चुनाव देश का चुनाव है, हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? जो घुसपैठिए देश के अंदर घुस चुके हैं, इनको बाहर निकाला जाना चाहिए कि नहीं निकाला जाना चाहिए? भारत समृद्धिशाली होना चाहिए, भारत वैभवशाली होना चाहिए। कौन लेके जाए, कौन करेगा? मोदी जी। कौन करेगा? और भाइयों बहनों, इसलिए मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को
कमल चुनाव चिन्ह पर 19 मई को भारी मतों से विजयी बना के भेजेंगे। सब लोग तैयार हैं? सब लोग मेरे साथ बोलेंगे भारी।